जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आईआर रिलेटेड जो एक सीरीज़ बनाई थी जो कवर कर रही थी सीएसएस रिलेटेड सिलेबस पेपर वन से, उसके कई सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। उसके ऊपर जो कई सारे सीएसएस को लेकर जो वन बाय वन टॉपिक थे वो मैंने उन पर ऊपर वीडियोज़ बना लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कवर करा है इंटरनेशनलिज्म। जी मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो नेशनल पे था। मेरे नज़दीक नेशनलिज्म अच्छी बात है, अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, लेकिन ये गलत बात है कि फिर आप उसी नेशन के अंदर आपका जो लीडर है वो पिक करे कि उसकी नेशन क्या है। कि अगर आप ये देख लें कि अब इमरान खान एक प्राइम मिनिस्टर पठान है, अगर वो कहे कि पठान सिर्फ उनको प्रमोट किया जाए अच्छा हो, ये एक लीडर का स्ट्रक्चर होता है कि वो पूरे मुल्क की कौम है जो एक डाइवर्सिटी थी पूरी कौम की वो लेके जाए, चाहे सिंधी हो, पश्तून हो, महाजर हो। एक एक लीडर का काम होता है पूरे लोग को, पूरे कौम को साथ लेके जाए ताकि वो पूरी कौम को, पूरी मुल्क को ताकत देगा। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, उसने तो यही कह दिया कि ये इंडिया जो है ये अभी इंडिया नहीं, हिंदुस्तान रह गया। हिंदुस्तान हिंदू लोगों का एक स्थान, वहाँ पे दलित मुसलमान उन लोगों की कोई अहमियत नहीं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में बहस करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं जो है इंटरनेशनलिज्म। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनलिज्म कि आप जब इंटर हो गया तो उसमें इट मीन्स दो कंट्रीज, नेशनलिज्म के दो कंट्रीज जब आपस में कोई रिलेशनशिप या कोई मेकेनिज्म या एक दूसरे पर डिपेंड करे तो उस चीज़ को कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनल ये भी है कि एक कंट्री के जो कल्चर हैं, ट्रेडिशन हैं या उसकी जो बातें हैं वो अब एक कंट्री तक महदूद नहीं रहीं, अब वो बॉर्डर्स तो हैं जो फिजिकल बॉर्डर हैं, लेकिन आप देख रहे थे कि वो जो हमारा कल्चर है, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे ट्रेडिशन हैं, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से ही चले जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंटरनेशनलिज्म के कुछ इस आइडिया को देख लें, इंटरनेशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल व्हिच ट्रांसेंड्स नेशनलिज्म एंड एडवोकेट्स अ ग्रेटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द नेशंस एंड द पीपल। तो क्या कहता है इंटरनेशनलिज्म, आईआर के कहता है कि जो आपका नेशनलिज्म हो उससे तो आप वो चेंज हो, उससे आप बढ़ के निकलें और एडवोकेट करें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देख लें कि इंटरनेशनलिज्म है भी कंट्रीज आपस में अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेके और अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस कायम करती हैं। फिर उसके लिए उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहे वो आसियान हो, सार्क हो, ब्रिक हो या जो कि आपकी यूनाइटेड नेशंस हो, तो इस किस्म की आप ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं अपने ग्रेटर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए। आगे ये आप देखें नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म, ये देखें कि ये डिफरेंट कंट्री ये हैं तो लोग, लेकिन आपको इनके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के झंडे नज़र आ रहे हैं, तो ये एक पिक्चर आपको प्रेजेंट करिए इंटरनेशनलिज्म कि उनके जो कल्चर हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनकी जो ट्रेड एंड पॉलिसी है वो एक दूसरे के साथ अब चेंज हो रहे हैं, वो अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं इन चीज़ों में। तो हम कह सकते हैं एक इंटरनेशनलिज्म का एक सिनेरियो है। इंटरनेशनलिज्म क्या कहता है, इंटरनेशनल क्या कहते हैं, सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रिंसिपल आर रेफर्ड एज इंटरनेशनलिस्ट। तो अगर इंटरनेशनलिज्म को कोई सपोर्ट करता है तो हम उसे कहते हैं इंटरनेशनलिस्ट। जनरली बिलीव दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट अक्रॉस। इंटरनेशनलिज्म में ये बिलीव कहता है कि लोगों को यूनाइट होना चाहिए अक्रॉस दी जो कि पूरे लोग कंट्री के हैं, पॉलिटिकल अपने नेशनल अक्रॉस नेशनल पॉलिटिकल कल्चरल रेशियल और क्लास बाउंड्रीज टू एडवांस देयर कॉमन इंटरेस्ट। वो कहते हैं आप अपने आपके जो भी कल्चर हो, रेशियल हो, इनको छोड़ के आपको ये होना चाहिए, आपको यूनाइट होना चाहिए, आप एक दूसरे के अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इंटरनेशनल में ये कहा जाता है कि आपको यूनाइट होना चाहिए, आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड कोऑपरेट बिकॉज देयर म्यूचुअल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आर ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन देयर शॉर्ट टर्म डिस्प्यूट। ऐसा नहीं हो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई डिस्प्यूट कर लें। अगर आप गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनलिज्म में ये कहा जाता है कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए, किस लिए, अपने म्यूचुअल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। भाई अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को देख लेंगे अपने छोटे छोटे डिस्प्यूट के लेके और एक कन्फ्लिक्ट तो हमारा लॉन्ग टर्म वाला है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन होगा तो देख लें ना हम वो चार जंग
जंगें लड़ते हैं, ना हमारा पैसा मिलिट्री पे खर्च होता, ना हम जंग की हालत में थे, अच्छा खासा ट्रेड होता, अच्छी खासी मार्केट होती। तो ये इंटरनेशनलिज्म यही कह जाता है कि कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ प्रमोट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सपोर्ट होना चाहिए, ये कहते हैं। इंटरनेशनलिज्म यह था द टर्म इज सिमिलर टू ग्लोबलिज्म एंड कॉस्मोपोलिटिज्म। अब ग्लोबलिज्म यह है कि अब ग्लोबल जब कहते हैं तो आप पूरी दुनिया को एक ग्लोब की नज़र से देखते हैं कि हम ग्लोबल विलेज बन गए हैं अपनी ट्रेड कम्युनिकेशन फ्रांस की वजह से। और कॉस्मोपोलिटिज्म इसमें कॉस्मो इज बड़ी, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिटिक्स आ रही है ये तो पूरी दुनिया की आ रही है। ये इंटरनेशनलिज्म के अगर आप ओरिजिन देखें तो ये 19th सेंचुरी में हुआ था यूके के अंदर। देयर वाज अ लिबरल इंटरनेशनलिस्ट स्ट्रैंड ऑफ द पॉलिटिकल थॉट एपिटमाइज्ड बाय रिचर्ड कोबडेन एंड जॉन ब्राइट। ये जो इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था ये यूके में 19th सेंचुरी में पनप रहा था। इनको देने वाले थे जो वो यूके के लोग, तो एक था रिचर्ड कोबडेन और दूसरा थे जॉन ब्राइट। उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनलिज्म करना चाहिए, एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और उनके लिए उन्होंने जी सपोर्ट की थी, उन्होंने कहा ट्रेड, उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ, बिजनेस करेंगे, तो आपके ताल्लुकात अच्छे खासे बेहतर रहेंगे। कोबडेन बिलीव दैट फ्री ट्रेड वुड पेसिफाई द वर्ल्ड बाय इंटरडिपेंडेंस। उनकी क्या मकसद था कि जब आप ट्रेड करोगे आपकी इंटरडिपेंडेंस होगी, आप चीजें खरीद करोगे, सेल आउट करोगे, उन चीजों दोगे, तो आपकी एक इंटरडिपेंडेंस थी। आइडिया आल्सो एक्सप्रेस बाय एडम स्मिथ, यही आइडिया इंटरडिपेंडेंस का एडम स्मिथ ने भी दिया इन हिज द वेल्थ ऑफ द नेशंस के बुक में एंड कॉमन टू मेनी लिबरल्स ऑफ द टाइम। आई बिलीव in the idea of the moral law and an inherent goodness in human nature also inspired the faith of internationalism. Yehi internationalism the ek mil jul ke rehna chahiye, saath mein rehna chahiye, ek dusre ke saath jo apna culture hai wo share karna hai, wo log yehi jo ye do maine already aapko ye bataye the, wo kehte hain insaan ki nature bhi achhi, unka moral bhi acha hai, to un cheezon ko leke hame internationalism ko support aur promote karna chahiye. Ji shukriya aapke time ke liye, bahut bahut shukriya aapne time nikal ke is video ko dekha. Is mere channel ko सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।